जो अराजक तरीके से पढ़ते हैं कि जब नींद खुल गई पढ़ना शुरू कर दिया, जब नींद आ गई सो गए, उससे बात नहीं बनेगी। एक प्रॉपर शेड्यूल बहुत जरूरी है। वो शेड्यूल कैसा भी हो, आप सुबह 4 बजे उठने वाला शेड्यूल बनाएं या 4 बजे सोने वाला बनाएं, इससे दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी शेड्यूल हो वो एक तय हो, निर्धारित हो, जिस पर आप चलते हो। शेड्यूल ऐसा बनाइए कि पढ़ाई का उसमें कम से कम 6-7 घंटे केवल पढ़ाई करते हैं, कोई नौकरी वगैरह नहीं करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि लगभग 10-12 घंटे पढ़ाई आपकी हो। अगर आप 12 घंटे रोज पढ़ते हैं तो भी महीने की एवरेज आपकी 9.5-10 घंटे आएगी, क्योंकि महीने में 3-4-5 दिन ऐसे निकलेंगे जब आप नहीं पढ़ पाएंगे। कभी स्ट्रेस हो गया, कभी परिवार का कोई काम आ गया, कभी अपना कोई काम आ गया, जाना पड़ गया, कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो 12 घंटे रोज पढ़ने वाले एवरेज 10 घंटे पढ़ पाते हैं, महीने भर की एवरेज निकालेंगे। 10 घंटे की पढ़ाई तो एवरेज होनी ही चाहिए यदि आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस 10 घंटे को डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि संकट ये भी तो है ना कि जो आज पढ़ा कल भूल जाएंगे, कल तो याद रहेगा नहीं कुछ सारा। जो अनावश्यक चीजें हैं उसमें टाइम एकदम वेस्ट नहीं करना है। जैसे अगर आप अखबार पढ़ने में 3 घंटे लगा रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप 3 घंटे अखबार पढ़ें, वो भी हिंदी वाले अखबार जिसमें कंटेंट उतना रिच नहीं है कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मेरी सलाह ये है कि करंट अफेयर्स के लिए दिन में 1-1.5 घंटा रखिए अखबार सहित। अखबार पढ़ने का शौक है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन इस भाव से मत पढ़िए कि इससे आईएएस बन जाएंगे। उसके बाद दिन में 1/2 घंटा कम से कम रखिए लिखने का, रोज लिखिए 1/2 घंटा। कभी कभी केवल स्पीड बढ़ाने के लिए लिखिए, जिसमें कंटेंट की क्वालिटी पर बहुत ध्यान मत दीजिए। कभी कभी कंटेंट की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उस पर 1/2 घंटा काम कीजिए। कभी कभी टाइम मैनेजमेंट करते हुए एक मुश्किल प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है उसी पर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट का अभ्यास कीजिए। 1/2 घंटा रोज लिखते रहेंगे तो परीक्षा में लिखना बहुत आसान हो जाएगा, और जो लोग परीक्षा से 4 दिन पहले लिखने का अभ्यास करते हैं वो साध नहीं पाते हैं। एक लंबा नियमित अभ्यास होगा लिखने का तभी बात बनेगी। 2 घंटे हो गए, अब जो आपके पास बचे 7-8 घंटे मान लेते हैं पढ़ने के बचे हैं, उनमें कम से कम 5 घंटे पढ़िए नया, कम से कम 1-2 घंटे रिविजन के रखिए मिनिमम, और हो सके तो सप्ताह में 1 दिन चाहे संडे का दिन कुछ नया मत पढ़िए, पीछे का रिवाइज कीजिए। और इसके अलावा हो सके तो महीने के आखिरी 2 दिन, संडे हो या कोई भी दिन, उन 2 दिन के लिए कोई नया टारगेट मत रखिए, केवल रिवीजन रखिए। मनोविज्ञान का बहुत सामान्य नियम है कि यदि आपने किसी कंटेंट को 3 बार ठीक से रिवाइज कर लिया तो वो आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाएगा। जैसे आपने 3 तारीख को कुछ पढ़ा तो 3 तारीख को जो पढ़ा है उसकी 1 रिवीजन 3 या 4 तारीख को ही हो जानी चाहिए। उसकी अगली रिवीजन उस सप्ताह के अंत में हो जानी चाहिए, संडे के दिन कर लीजिए तो वो आपकी 1 वीकली रिवीजन हो गई। उसकी 3री रिवीजन महीने के आखिरी दिन में हो जानी चाहिए, जहां आपने किसी कंटेंट को उस दिन, उस सप्ताह के अंत में और महीने के अंत में 3 बार रिवाइज कर लिया ठीक से, तो फिर वो आपकी स्मृति में लगभग स्थायी हो जाता है। इतना स्थायी है कि एग्जाम से पहले उसको जैसे देखेंगे आपको याद आता है, उतना ही चाहिए परीक्षा। तो टाइम मैनेजमेंट का एक मोटा मोटा खाका मैंने पूरा दिया। एक तो शेड्यूल बनाइए एनुअल, मंथली, डेली, कि पूरे साल का टारगेट ये है। साल के टारगेट को महीने में बांट के देखेंगे तो जनवरी में ये, फरवरी में ये, मार्च में ये। फिर महीने का टारगेट ध्यान में रखते हुए डेली टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे इतना पढ़ लेना है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि शेड्यूल मानवीय बनाइएगा, बहुत मुश्किल मत बनाइए, वरना क्या होगा 2 दिन आप शेड्यूल पे चलेंगे फिर हाफ के बैठ जाएंगे, उसका फायदा नहीं है। उतना ही रखिए जितना सामान्य रूप से संभव है, और मनुष्य बने रहने का सारा रास्ता निकालिए। हंसी मजाक, मनोरंजन, दोस्तों से बातचीत, खेलकूद, सैर, इस सब का समय जरूर रखिए, वरना शेड्यूल चल नहीं पाए। पूरी बात का सार, 24 घंटे में से केवल 10 से 12 घंटे पढ़ाई को देने हैं, बाकी 10 से 12 घंटे या 12-14 घंटे बाकी चीजों के लिए। जो 12 घंटे पढ़ाई के लिए हैं या 10 घंटे पढ़ाई के लिए हैं, उनमें से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स अखबार सहित, 1/2 घंटा कम से कम लिखने का अभ्यास प्रतिदिन, ये 2 घंटे हो गए, 2 घंटे कम से कम रिविजन के रोज, सप्ताह में 1 पूरा दिन और महीने के अंत में 2 पूरे दिन अलग से, यानी कि महीने में 6 दिन रिविजन के रख लीजिए, बाकी 24 दिनों में रोज 5-6 या 7 घंटे नया पढ़िए। ये शेड्यूल मेरे ख्याल से आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। जो 5-7 घंटे पढ़ना है वो आप एक चीज भी पढ़ सकते हैं, बांट भी सकते हैं। अगर आपकी नेचर ऐसी है कि अगर मैं संविधान पढ़ रहा हूं तो संविधान ही पढ़ूंगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, वो भी ठीक। अगर आपकी नेचर ऐसी है कि नहीं, 3 घंटे संविधान पढ़ेंगे, 3 घंटे इतिहास पढ़ेंगे, तो वो भी ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है। अपनी नेचर के हिसाब से शेड्यूलिंग कीजिए, किसी और की नेचर के हिसाब से शेड्यूल चल नहीं पाएगा आपका।